नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। दतिया पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से काफी असलहा भी बरामद किया गया है। नवागत पुलिस कप्तान अमन सिंह राठौर के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष पुलिस अभियान में थाना जिगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध हथियारों का व्यापार करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अवैध हथियारों के व्यापार की जानकारी मिलने पर विशेष टीम का गठन किया। उक्त टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए 4 युवकों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर 3 कट्टे, 1 पिस्टल, 1 बंदूक और 18 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। एसपी ने जिगना थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा और साइबर सेल प्रभारी वैभव गुप्ता के कार्य की प्रशंसा कर उन्हें इनाम की भी घोषणा की है। कल जिगना पुलिस को उसमें बड़ी सफलता मिली है। उसमें जो रहीश यादव है और उसके 3 साथी मोहन सिंह, हेरेंद्र सिंह और कलंग यादव, इनसे कुल 6 अवैध आर्म्स और 17 राउंड हमने जब्त किए हैं। 3 315 बोर के कट्टे हैं, 1 12 बोर की पिस्टल, 1 12 बोर की राइफल और 1 315 बोर का अवैध जब्त किया गया है। उससे पहले कल बड़ौनी में भी 4 इलीगल आर्म्स जब्त किए गए थे। आने वाले समय में पंचायत के और नगरीय चुनाव होने हैं, वो चुनाव हम शांतिपूर्ण तरीके से करवा सकें और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसको ध्यान में रखते हुए ये लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जो वारंटी हैं, पुराने वांछित इनामी हैं, उनको लेकर के एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें जो हमारी टीम है जिगना की, थाना प्रभारी रविंद्र और साइबर प्रभारी वैभव, उनने और उनकी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया है और उन दोनों को, उनकी पूरी टीम को नगद पुरस्कार की मैं घोषणा करता हूँ।